بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم। सूरह कहफ़ की तफसीर चल रही थी, उसमें गुज़िश्ता की तफसीर में यह बात आई थी कि अल्लाह के बंदे कौन होते हैं। आयत के का एक जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर क़ुरान मजीद नाजिल किया। तो अल्लाह का बंदा कौन होता है, उस सिलसिले में गुज़िश्ता तफसीर आई थी। अल्लाह का बंदा बनने के लिए क्या करना चाहिए, आगे अब तफसीर है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ल अला अब्दिहिल किताब, अल्लाह की तारीफ़ है जिसने अपने बंदे पर क़ुरान किताब नाजिल किया। किताब किसे कहते हैं, क़ुरान को अल्लाह ने किताब क्यों फरमाया। अल्लामा इमाम मजदुद्दीन फ़ैरोज़ाबादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि क़ुरान मजीद को अल्लाह ने किताब इस वास्ते फ़रमाया कि अल्लाह ने इस क़ुरान में पिछले ज़माने के तमाम क़िस्सों को, पिछले ज़माने के लोगों को जो जो अहकामात दिए गए थे उन अहकामात को, पिछले ज़माने में जिन बातों से कौमों को रोका गया था उन बातों को, पिछले ज़माने में जो नसीहतें लोगों को की गई थीं उन नसीहतों को सब को अल्लाह ताला ने इस किताब में जमा कर दिया है। गोया कि ये पिछले तमाम कौमों, तमाम उम्मतों और तमाम नबियों की तालीमात का ख़ुलासा है जो अल्लाह ने इस किताब में जमा फरमा दिया है। तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने जो जो मैसेजेस दिए हैं उन तमाम पैगामात और मैसेजेस को अल्लाह ने इस क़ुरान में जमा फरमा दिया। किताब का लफ्ज़ क़ुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 320 जगह इस्तेमाल फरमाया है। क़ुरान मजीद में किताब के लफ्ज़ को अलग अलग मानी में भी इस्तेमाल किया गया है। हम अपनी ज़बान में किताब, पढ़ी जाने वाली बुक को कहते हैं, बुक का नाम भी किताब है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को भी किताब फरमाया है। लोहे महफूज वो तख्ती जहाँ पर बंदों के, जहाँ पर क़ुरान मजीद महफूज है, लिखा गया है, जहाँ बंदों के आमाल भी लिखे जाते हैं, तो उसको भी अल्लाह ने किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तौरात भी किताब है, इंजील भी किताब है। बिलकीस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो ख़त लिखा था वो ख़त को भी अल्लाह ने किताब फरमाया। चुनांचे आयत में है कि या अय्युहल मलउ इन्नी उल्किया इलैया मिन किताब, इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, के लोगों मेरे पास ये ख़त पहुंचा है। ख़त को भी अल्लाह ने क़ुरान में किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। ऐसे ही बंदों की जो तकदीर लिखी जाती है उस तकदीर के पन्ने को भी किताब कहते हैं। चुनांचे बंदा भी बोलता है कि भाई हमारी तकदीर में ऐसा ही लिखा था, यानी तकदीर जिस किताब में लिखी गई थी उसको भी किताब ही कहा जाता है। क़ुरान मजीद को भी किताब कहते हैं। तो अल्लाह ने अपने नबी को किताब अता फरमाया, और यह किताब क़ुरान मजीद की पहली खूबी और पहली सिफत क्या है, अल्लाह उसे ज़िक्र फरमाते हैं, वलम यजअल लहू इवजा। क़ुरान मजीद की पहली सिफत यह है कि इसमें कोई कजी और टेढ़ापन नहीं है। टेढ़ापन, यहाँ एक बात बोले आगे चल के उसके अपोज़िट बोले, पहले ऐसा बोले अब ऐसा बोले, ऐसी अपोज़िट बातें क़ुरान मजीद में नहीं होती हैं। तो क़ुरान में फरमाया वलम यजअल लहू इवजा, अल्लाह ने क़ुरान मजीद को टेढ़ापन से नहीं बनाया है। जो बात है साफ साफ है, और जो बात है खुली खुली है,
इस अंदाज से अल्लाह ने कुरान मजीद में अहकामात दिए हैं कि थोड़ी भी अक़ल और समझ रखने वाला बहुत आसानी से समझ सकता है। कुरान मजीद की दूसरी सिफत है क़य्यिमा, कि अल्लाह ने इस कुरान मजीद को ज़िम्मेदार बनाया है, ठेकेदार बनाया है। कुरान मजीद बहुत ठीक ठीक उतारी गई किताब है। तो इस कुरान मजीद की दो खूबियां अल्लाह ने बयान की हैं। पहली खूबी क्या है कि इसके अंदर कोई कजी और कोई टेढ़ापन नहीं है। दूसरी खूबी क्या है कि कुरान मजीद सीधी सीधी और साफ साफ बात करने वाली किताब है। तो क्या मतलब हुआ कि अल्लाह ने पिछले ज़माने में जितनी किताबें नाजिल फरमाई हैं उनमें जो बातें हैं उन बातों को अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद में भी साफ साफ अंदाज में बयान फरमा दिया है। और दूसरी बात यह है कि जो किताब क़य्यिम होती है, क़य्यिम का जो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया इसे हमें याद रखना चाहिए। क़य्यिम उस किताब को कहते हैं या उस आदमी को कहते हैं जिसके अंदर दो खूबियाँ पाई जाती हैं। पहली खूबी क्या है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है वो सब जानने वाला आदमी उसे क़य्यिम बोलते हैं। मुस्तकबिल में क्या हो सकता है उसे जानने की उसके अंदर कैपेसिटी होना, उस आदमी को क़य्यिम कहते हैं। तो अल्लाह ने कुरान मजीद को क़य्यिम फरमाया कि कुरान मजीद वो किताब है जिसमें फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है वो सब अल्लाह ने इसमें ज़िक्र फरमा दिया। क़यामत तक क्या आने वाला है, दज्जाल आने वाला है, याजूज माजूज आने वाले हैं, ज़मीन आसमान सब रेजा रेजा होने वाले हैं, इंसान दफन होने के बाद दोबारा उठाए जाने वाला है, यह सब फ्यूचर में होने वाला है। वो सब फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है वो सब कुरान मजीद जानता है और कुरान मजीद बताता है। दूसरी कैपेसिटी क़य्यिम, जिस जो शख्स या जो चीज़ क़य्यिम होती है उसके अंदर दूसरी खूबी यह होना है कि फ्यूचर में जो मुश्किलात पेश आ सकते हों उनसे बचाने की भी इसके अंदर कैपेसिटी होना। एक है फ्यूचर में क्या होने वाला है वो जानना, नॉलेज रखना, दूसरा बचाना फ्यूचर में आने वाले मुश्किलात से, परेशानियों से। तो कुरान मजीद के अंदर वो कैपेसिटी है कि कुरान मजीद फ्यूचर और मुस्तकबिल में आने वाली परेशानियों से कुरान बचाता है इसके मानने वालों को। कब्र का अजाब होगा, जहन्नम का अजाब होगा, पुलसरात पर से पार करना होगा, हशर के मैदान में बहुत हैबतनाकी से अल्लाह के सामने खड़े होना होगा, तो उन सब परेशानियों से बचाने की ताकत अल्लाह ने कुरान मजीद में रखी है। कैसे रखी है कि जो बंदा कुरान मजीद को मानेगा तो अल्लाह ताला उसे मानने और अमल करने के बदले में उन परेशानियों से अल्लाह ख़ुद इसे बचा लेंगे। जो कुरान को नहीं मानेगा, कुरान पर अमल नहीं करेगा तो उन परेशानियों और मुसीबतों में फंसेगा और परेशान रहेगा। और यहाँ पर एक अच्छी बात हमको समझ में आई कि अल्लाह ने कुरान मजीद को बहुत सीधी सादी किताब बनाया, वन टू फैसला करने वाली किताब बनाया, खुली खुली बात बयान करने वाली किताब बनाया। चुनांचे आप देख लीजिए कुरान मजीद में जिना करने वालों को कोड़े मारो, झूठी गवाही देने वालों को कोड़े मारो, शराब पीने वालों को कोड़े मारो, जिना करने वालों को ये सज़ा दो, खुला खुला अल्लाह ने बयान फरमा दिया। सूद खाने वालों को बोल दो कि वह अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। इतना फेस टू फेस बोला है कि अगर शर्म अकल है तो बंदा कभी वह गुनाह नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप इतना साफ बोल देंगे तो लोग क्या समझ जाएंगे कि इनको सूद खाने वालों को जहन्नमी बोल दिए, सूद खाने वालों को, भाई की गीबत करने वालों को अपने भाई का मुर्दार गोश्त खाने वाला बोल दिए, जिना के करीब जाओगे तो भी इतनी सज़ा बोल दिए। तो ऐसे बोलने में कुरान मजीद ने कोई झिझक महसूस नहीं किया, कौन क्या समझेगा। तो साफ बोलने वाली किताब है कुरान मजीद। और अल्लाह ने इस किताब को हर ऐब से पाक रखा है। कुरान के अल्फाज और वर्ड्स में भी कोई आदमी कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकता, कुरान की मानी में भी कोई गलती नहीं निकाल सकता। इसी वास्ते जितने लोगों ने कुरान में रिसर्च करना शुरू किया तकरीबन 80% लोगों को अल्लाह ने हिदायत से नवाज दिया। कुरान में रिसर्च करने के लिए ईसाई लोग, यहूदी लोग, हिंदू लोग जो भी रिसर्च करने की नीयत से कुरान पढ़ना शुरू किए
80% लोगों को अल्लाह ने हिदायत दे दी है, क्योंकि उनको साफ मिल रहा है कि ये जो बातें कही जा रही हैं वाकईतन एक अल्लाह की कही जाने वाली बातें होती हैं, आम इंसान ऐसी बातें नहीं कह सकता। तो चुनांचे इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान मजीद बहुत मुअज्जज किताब है, इज़्ज़त वाली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मुअज्जज नबी हैं उन पर उतारी गई है, भेजने वाला भी मुअज्जज है, जिस पर भेजा गया वो भी मुअज्जज है, और जो किताब भेजी गई है वो भी बहुत इज़्ज़त वाली है। इससे ये रिज़ल्ट मिलता है कि जो कुरान को फॉलो करेगा, कुरान पर अमल करेगा, अल्लाह उसे भी इज़्ज़त से नवाज देंगे, जिसके पास से आया वो भी इज़्ज़त वाला, जिसको दिया गया वो भी इज़्ज़त वाला, खुद कुरान मजीद भी इज़्ज़त वाला, और जो इसको जो इस पर अमल करेगा अल्लाह उसे भी इज़्ज़त वाला बना देंगे, हत्ता कि अगर पूरी कौम की कौम कुरान पर अमल करेगी तो अल्लाह पूरी कौम को इज़्ज़त से नवाजेंगे। और आज कुरान मजीद पर अमल ना करने की वजह से कौम जलील हो रही है। इसी को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, वो मुअज्जज थे ज़माने में हामिल कुरान होकर, वो ज़माने में इज़्ज़त वाले थे, क्यों? कुरान पर अमल करते थे। और आज हम जलील व ख़ार हैं तारीख़ कुरान होकर। आज मुसलमान की कोई इज़्ज़त कोई वैल्यू नहीं है, इस वास्ते कि इसे कुरान पर अमल पसंद नहीं है। यहूदियों के रूल्स पर अमल कर लेगा, हिंदुओं के रूल्स पर अमल कर लेगा, लेकिन कुरान को फॉलो करना नहीं चाहेगा। तो जो बंदा चाहता है कि वो भी इज़्ज़त वाला बन जाए, तो कुरान पर अमल करने वाला बन जाए, तो अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त से नवाज देंगे। कुरान मजीद क्यों नाजिल किया गया है? कुरान मजीद नाजिल करने की हिकमतें क्या हैं? अल्लाह पहली हिकमत बयान फरमाते हैं, क्या है? लियुन्ज़िरा बासन शदीदं मिन लदुन्हु, लियुन्ज़िरा, ताके डराया जाए, उन्हें तंबीह की जाए, धमकी दी जाए, बासन शदीदा, एक आने वाली सख्त आफत से उन्हें डराया जाए, मिन लदुन्हु, और ये आफत और मुसीबत आने वाली है अल्लाह ही की तरफ से। अल्लाह की तरफ से आने वाली सख्त मुसीबत से बंदों को डराने के लिए अल्लाह ने ये कुरान नाजिल किया है। वो सख्त आफत और मुसीबत क्या है जिसे अल्लाह बंदों को डराते हैं? इसके मुतालिक लिखा है मुफस्सिरीन ने, सबसे बड़ी आफत ये है कि अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन बंदों को अपने दीदार से महरूम कर देंगे। ये सबसे बड़ी आफत है मोमिनों के लिए कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं, उसे ना हम दुनिया में देख सके और गुनाहों की वजह से जन्नत और हश्र के मैदान में भी नहीं देख सकेंगे। ये सबसे बड़ी आफत है। तो अल्लाह ने कुरान नाजिल करने की सबसे पहली हिकमत बयान फरमाई है कि बंदों को डराओ कि एक बड़ी मुसीबत आने वाली, और बड़ी मुसीबत है कि तुम अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाओगे। और जब अल्लाह के दीदार से गुनहगार लोग महरूम हो जाएंगे तो अल्लाह अपना दीदार किसे कराएंगे? जो लोग उसके फरमाबरदार हैं अल्लाह उनको अपना दीदार कराएंगे। तो दीदार से महरूम होने वाले गुनहगार हैं, उनको डराना मकसूद है, और जिन्हें दीदार मिलने वाला है वो अल्लाह के फरमाबरदार हैं, उनको खुशखबरी सुनाना मकसूद है। और दूसरी बात यहाँ समझने की यह है कि अल्लाह ने कुरान नाजिल करने की हिकमतों में से पहली हिकमत ये बयान फरमाई कि डराओ लोगों को। पहली हिकमत ही डराना है। हम लोग ये समझते हैं कि भाई पहले लोगों को खुशखबरी सुनाओ, पहले लोगों को खुश करो, उसके बाद लोगों को समझाओ अच्छा बुरा क्या है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं? पहले डराना। क्या वजह है? इस वास्ते के डर से आदमी पहले गुनाहों से बचता है। डरने की वजह से आदमी पहले जिससे डरता है उससे बचता है। जहर, सांप से डरा तो सांप से बचा, शेर से डरा तो शेर से बचा, शराब के नुकसान से डरा तो शराब से बचा, जिना के नुकसान से डरा तो जिना से बचा, सूद के नुकसान से डरा तो सूद से बचा। जिसके नुकसान का डर पैदा होगा आदमी उस गुनाह से बचेगा। और गुनाहों से बचना, नुकसान से बचना, ये पहले है नफ़ा हासिल करने के मुकाबले में। प्रॉफिट बाद में कमाते, पहले नुकसान से बचो।
बिजनेस सक्सेस होने के लिए हमेशा प्रॉफिट में चलना ज़रूरी नहीं है, पहले लॉस से बचना ज़रूरी है। तो लॉस से बचना पहले है, प्रॉफिट कमाना बाद में है। तो लॉस से बचने के लिए अल्लाह ने पहले यह जिक्र किया कि पहले इनको डराओ ताकि नुकसान से बचें। जो आदमी प्रॉफिट खूब कमा रहा है लेकिन लॉस भी वैसे ही हो रहा है, वो आदमी कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, जो आदमी का प्रॉफिट नहीं कमा रहा लेकिन लॉस से बच रहा है, फिर भी ठीक है, नुकसान में तो नहीं है। तो अल्लाह ने पहले डराने की बात इस वास्ते फरमाई है कि दफ़उल मज़र्रति अउला मिन जल्बिल मनफाती, कि नुकसान से बचना पहले है नफ़ा कमाने के मुकाबले में। यहाँ से गोया कि एक उसूल भी मुसलमानों को समझा दिया कि तुम कुछ भी काम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, उसका नफ़ा भी देखो नुकसान भी देखो, और पहले नुकसान देखो क्या हो रहा है, नफ़ा बाद में देखो। ये काम करने से क्या नुकसान हो सकता है पहले वो देखो। इसी वास्ते नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों के बारे में भी उसूल है, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, इसके बेनिफिट्स क्या हैं आपको सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, इसके आपको नुकसानात क्या हैं ये लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? अक्लमंद आदमी को हुकूमत की तरफ से इतना मैसेज दिया जा रहा है, अगर तुमको अक्ल है इसमें हम कितने बेनिफिट्स लिख रहे हैं और कितने इसमें नुकसानात लिख रहे हैं देख लो। एक भी बेनिफिट लिखे क्या हम देख लो, पूरे हम नुकसानात लिख रहे हैं, फिर भी इतने बेवकूफ़ हो हज़ारों रुपए उस पर खर्च कर रहे हो। 100 रुपए खर्च करके तंबाकू खा रहे हो, 100 रुपए खर्च करके बीड़ी सिगरेट पी रहे हो। तो इससे मालूम हुआ कि आदमी बिजनेस करे, ज़मीन ख़रीदे, कोई कारोबार करे, किसी से डील करे, किसी से मामला करे, तो पहले ये सोचना नुकसान कितना होता पहले वो सोचो, नफ़ा क्या होता बाद में देखेंगे। और अक्सर कंपनियां जो हमें लूटती हैं या जो जो पार्टनर्स हमें लूटते हैं, वो पहले क्या दिखाते, बेनिफिट्स दिखाते। आप ये ऐप यूज़ करेंगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, फला वेंचर में आप इतने 1000 रुपये डालकर वेंचर ख़रीद लेंगे आपको फ्यूचर में ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आप फला गाड़ी ख़रीद लेंगे आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कंपनियां जो चलती हैं बेनिफिट्स दिखाकर चलाती हैं, और अल्लाह ये फरमाते हैं पहले नुकसानात क्या है वो देखो। शराब में भी आदमी फ़ायदे दिखा रहा है, हत्ता कि अफसोस और ताज्जुब से कहना पड़ता है, बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है, ज़माना इतना गया गुजरा और घटिया बन गया है। लोग अब मीडिया पर इंसान की का मादय मनविया, जो इंसान को शहवत के बाद जो पानी निकलता है, उसके पीने और खाने के भी बेनिफिट्स दिखा रहे हैं। हत्ता के नाउस बिल्ला इतने बेनिफिट्स बास लोग लिख रहे हैं कि औरतें अगर वो पीती हैं तो उनके बाल नहीं झड़ेंगे, उनकी स्किन चिकनी हो जाएगी, वो खूबसूरत बनेंगी, ऐसे बेनिफिट्स लिख रहे हैं। और अल्लाह माफ़ फरमाए, बास बेशरम बेहया गलीज किस्म के मर्द और औरतें उसे इस्तेमाल भी करते हैं, पीते भी हैं। तो आप समझ लीजिए दुनिया कितनी घटिया हो गई है। हम तो अब तक यही सोच रहे थे ना कि हमारे मुल्क में गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं, तो गौमूत्र पीना आसान हो गया, गोबर खाना आसान हो गया। लोग मीडिया जर्नलिस्ट होकर बड़ी बेशर्मी के साथ एंकर खड़े होकर बोल रहा है कि भाई एक नया रिसर्च हमारे मुल्क में आया है कि अगर किसी आदमी को कब्ज़ की बीमारी हो तो सुबह सुबह एक चम्मच गौमूत्र पी ले। अगर कोई जाहिल बोल रहा है, गंवार बोल रहा है तो समझ में आएगा, तुम जर्नलिस्ट होकर ये बोल रहे हो, इतना झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन सी वेद में लिखा हुआ है, कौन सी रामायण में लिखा हुआ है कि पेशाब पीने से पेट की बीमारियां दुरुस्त हो जाएंगी? कौन से साइंटिस्ट ने लिखा है? कहीं आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन मज़हब के गंदी चीज़ों की भी अजमत पैदा करने के लिए दिमागी तौर पर आदमी को बेवकूफ़ और टार्चर और उसे उसके दिमाग को माफ़ करने के लिए गोबर की भी फजीलतें बयान हो रही हैं, पेशाब की भी फजीलतें बयान हो रही हैं, और गंदे मादे मनविया की भी फजीलतें बेनिफिट्स बयान हो रही हैं। और इंसान जब अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से हटा, आसमान से आने वाली वही की हिदायत से हटा, तो फिर उसे पानी और पेशाब बराबर लगा।
खाना और गोबर बराबर लगा और गंदी चीज़ें पाक चीज़ें दोनों उसके नज़दीक बराबर हो गईं। ये कितना बड़ा नुकसान हुआ आसमान की वही से महरूम होने के नतीजे में। और फिर वो लोग अपने आप को समझ रहे हैं हम एजुकेटेड हैं, हम तरक्की याफ्ता हैं, पेशाब पीकर भी बंदा तरक्की पर है, गोबर खा के भी तरक्की पर है, मादे मनविया पीकर भी आदमी तरक्की पर है, और जो ये सब गंदी चीज़ों से बचा हुआ है उसे बोल रहे हैं बैकवर्ड है। तो आप समझ लीजिए कि दिमाग कैसे ख़राब हो रहा है और कैसे ख़राब किया जा रहा है। तो अल्लाह ने यहाँ पर समझाया कि पहले नुकसानात देखो, कहीं भी कोई डील कर रहे हो, किसी के साथ मामला कर रहे हो, ऐसे ही बहुत से लोग जो मल्टी लेवल कंपनियाँ चलती हैं, MLM चैन सिस्टम की जो चलती हैं, वो सब लोग बेनिफिट्स दिखाते हैं लेकिन लॉस क्या हो रहा है नहीं दिखाएंगे। और आपको बैंक से लोन लेने के मौके पर आपको क्या बताते, महीना महीना आप 15,000 रुपये किराया बन रहे, 15 साल भी बनो फिर भी आपको वो घर आपका खास नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से बैंक से होम लोन ले लोगे तो वही 15,000 रुपए आप बैंक को बनो, 15 से 20 साल के अंदर ये घर आपका हो जाएगा। तो आदमी समझता है कि भाई बहुत आसान तरीका है इस तरह तो, लेकिन जब ये होम लोन लेने के लिए आगे बढ़ता है तो ऐसे फंसता है कि ये मर जाएगा लेकिन कभी लोन ख़त्म नहीं होगा, उसकी नस्ल से बैंक वसूल करेगी, उसकी औलाद से बैंक लोन वसूल करती रहेगी, इंटरेस्ट वसूल करती रहेगी। एक साहब ने मुझे बताया उन्होंने बैंक से लोन लिया, ऐसे ही हवले बनकर 50 लाख का लोन लिया, 50 लाख का लोन वक्त पर नहीं पे करने की वजह से उस 50 लाख पर जो पेनाल्टी आती गई, मल्टीपल सूद जो होता गया, उसकी वजह से 50 लाख की जगह पर 2,40,00,000 रुपए पे करना पड़ा मल्टीपल सूद की वजह से। शुरू में क्या दिखाए, 50 लाख ले लेने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लाख आप पर जायद होंगे, लेकिन वो अंदर जो मैटर छोटे छोटे हरूफों से ऐसा लिखा रहता है गोया कि हज़रत इज़राइल लिखे जैसा, कोई पढ़ ही नहीं सकते उसको, सिर्फ साइन कर दो और निकलते बनो, बाद में कुछ भी आप मैं ये नहीं करूँगा मैं वह नहीं करूँगा, नहीं रूल्स में है आप साइन किए सही उस पर, रूल्स पढ़ा ही नहीं, मैं पढ़ लेना था कौन नको पढ़ो बोले आपको, ऐसा फंसता है बंदा कि फिर वापस निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी अक्लमंदी की बात सिखाई गई कि आदमी पहले नुकसानात क्या होते हैं वो देखे, नफ़ा क्या होगा वो बात की बात है। तो ये जब देखेगा बंदा तो बहुत से गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को क्या बताया गया, अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाना, यह सबसे बड़ा नुकसान है, यह सबसे बड़ी आफत है मुसलमान के लिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लौ लम यूकिन मुहम्मद इब्न इदरीसा अन्नहु यरा रब्बहु फिल मियाद लमा अबदहु फिद दुनिया। अल्लाह का दीदार इतनी बड़ी नेमत है, अगर मुहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे अगर क़ियामत के दिन अल्लाह के दीदार का यकीन ना होता तो मैं दुनिया में कभी उसकी इबादत ही नहीं करता, मैं जो कुछ इबादत कर रहा हूँ उसका दीदार करने के लिए कर रहा हूँ, उस महबूब को देखने के लिए कर रहा हूँ, अगर उस महबूब को जिसके लिए हम 5 टाइम सजदा कर रहे हैं वो हमें क़ियामत में दिखा ही नहीं तो फिर ऐसी इबादत से क्या फ़ायदा। तो हमारा मकसूद अल्लाह की रज़ा और उसका दीदार है। तो सबसे बड़ी मुसीबत यह है अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाना। अल्लाह अपने नाफरमानों को अपना दीदार नहीं कराते हैं और अपने फरमाबरदारों को अल्लाह ताला खुल कर दीदार कराते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि बंदा जब अल्लाह को पहली बार देखेगा 70,000 साल सिर्फ देखने में लग जाएंगे, एक बार अल्लाह को देखेगा तो 70,000 साल तक देखते ही रहेगा, पलक भी नहीं झपकेगा, उसे महसूस भी नहीं होगा कि मैं इतने सालों से अल्लाह को देख रहा हूँ, इतनी लज्जत होती है उसे देखने में। जैसे आजकल के गुनहगार लोगों को देख लीजिए, अगर फिल्म चल रही हो उसके हिसाब की फ़िल्म हो, बाज़ लोगों को एक्शन फिल्म्स पसंद आते हैं, बाज़ लोगों को रोमांटिक फिल्म्स पसंद आते हैं, उसके हिसाब की फ़िल्म चल रही हो तो आदमी पलक झपके बगैर देखता है, खाना छोड़ के देखता है, घर के कामकाज छोड़ के देखता है। जिन लोगों को जो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं उन लोगों को देख लीजिए, हफ्ते हफ्ते देवदास बने रहते हैं,
सन्यासी बने रहते हैं, ना नहाना है, ना घर का काम है, ना जिम्मेदारियां हैं। एक हफ्ते तक अगर मैच चलेगा, एक हफ्ते तक सन्यासी बना रहता है। तो जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आदमी पूरी दुनिया को भूल कर उसकी तरफ लग जाता है। ऐसे ही अल्लाह का दीदार करने में इतना मज़ा आएगा कि बंदा 70,000 साल तक उसके दीदार में लग जाएगा। तो पहली हिकमत है कुरान उतारने की कि बंदों को बड़ी मुसीबत और आफत से डराओ। इससे ये बात भी मालूम हुई कि अगर कौम पर, मुल्क पर कोई परेशानी आने वाली है, वो परेशानी से कौम को डराना गोया के एक अक्लमंद होने की ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन का मौका है, अगर तुम ये काम नहीं करोगे ये परेशानी आएगी, तुम्हारे वोट तकसीम हो जाएंगे, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। तुम अगर वोट नहीं डालोगे तो मुल्क में ऐसे मुश्किलात पेश आएंगे, ऐसे ज़ालिमाना कानून बनेंगे कि रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाले हालात से डराना कोई बुरी बात नहीं है, मायूस करने वाली बात नहीं है, बल्कि हालात से आगाह करके हालात के लिए तैयार करने की खातिर डराया जाता है। आदमी को खौफ ज़दा करने, मायूस कर देने के वास्ते हालात से डराया नहीं जाता है। दूसरी हिकमत कुरान मजीद नाजिल करने की, पहली हिकमत है लियुन्दिर बासन शदीदा मिल लदुन्हु, बड़ी मुसीबत से डराना। दूसरी हिकमत है कुरान मजीद नाजिल करने की वयुबशिरल मुमिनीन, मुसलमानों को खुशखबरी सुना दो, बशारत दे दो मोमिनों को। मोमिन जिन्हें अल्लाह ने बशारत दी है वो कौन है? तीन तरह के मुसलमानों को बशारत दी जाती है कुरान मजीद में। कितने तरह के वो मोमिन हैं? यत्तकून अश्शिर्क बित्तौहीद, वो मुसलमान जो शिर्क से बचता है और पक्का मुसलमान मुवाहिद बने रहता है, एक अल्लाह को पक्का मानना और शिर्क से बचा रहना, ये है। दूसरा जिसे खुशखबरी दी जाती है यत्तकून अलमासी बित्ता, जो गुनाहों से बचते हैं इबादत के ज़रिए से, गुनाह नहीं करेंगे, इबादत में लगे रहेंगे। तीसरा है यत्तकून अम्मा सिवल्लाहि बिल्ला, जो अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरेंगे। ये होते हैं पक्के मोमिन। पक्के मोमिन वो हैं जिनके अंदर तौहीद हो, शिर्क ना हो, जिनके अंदर फरमाबरदारी हो, नाफरमानी ना हो, जिनके अंदर अल्लाह का डर हो, अल्लाह के सिवा किसी का डर ना हो, ये पक्के मोमिन होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला खुशखबरी सुनाते हैं, बशारत देते हैं। अब ये पक्के मोमिनों की अलामत क्या है? वयुबशिरल मोमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात, जो पक्के मोमिन होते हैं वो नेक अमल करते हैं। तो मालूम यह हुआ आदमी को सिर्फ मोमिन होना काफ़ी नहीं है, ईमान वाला होने के साथ साथ अच्छे आमाल करना भी ज़रूरी है। एक बार ज़िंदगी में कलिमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया, उसके बाद कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक पक्का मोमिन हो ही नहीं सकता है। ईमान के साथ अमले सालेह, अच्छा काम करते रहना और मौत तक करते रहना, ये ज़रूरी है, तभी वो ईमान मोतबर होगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में जहाँ जहाँ ईमान वाले मोमिनून मोमिनीन का ज़िक्र किया है, उसके साथ 50 जगहों पर यअमलून अस्सालिहात, अच्छे काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले। सिर्फ मोमिन बोलकर नहीं छोड़ा है अल्लाह ने, मोमिन वो मुराद है जो ईमान के साथ अच्छे काम भी करता हो, वो मोमिन मुराद हैं। अब अमले सालेह क्या है, अच्छा काम किसे बोलते हैं? अमले सालेह ये है कि आदमी जिस तरह ईमान लाता है अल्लाह पर, ईमान लाता है अल्लाह के लिए। हम मुसलमान किस वास्ते हैं? इस मुल्क में मुसलमान होने की वजह से कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इस मुल्क में मुसलमान होने की वजह से मुसलमानों को नौकरियां मिल रही हैं, इस मुल्क में मुसलमान होने की वजह से मुसलमानों को जॉब मिलना, बिजनेस में या आगे रहना, मुसलमानों को हुकूमत की लीडरशिप मिलना, क्या बेनिफिट दुनिया के मिल रहे हैं? मालूम हुआ कि हमारा मोमिन होना दुनिया के किसी फ़ायदे के वास्ते नहीं है। तो जिस तरह हम मोमिन हैं सिर्फ अल्लाह के वास्ते, वैसे इस ईमान के बाद जो अमल सालेह नेक काम करना है, वो नेक काम भी सिर्फ अल्लाह के वास्ते होना है, वो अमल सालेह भी अल्लाह के वास्ते होना है। इस वास्ते कि अमल सालेह नेक काम मोतबर तभी होगा जब ईमान वाला होगा।
और ईमान सिर्फ अल्लाह के लिए है तो अमल सालेह भी अल्लाह के लिए होना चाहिए। तो अब नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, ज़कात दे रहा है, दाढ़ी रखा है, कुर्ते पजामे है, सुन्नत पर अमल है, जो कुछ भी है दुनिया वालों की खातिर नहीं है, सिर्फ अल्लाह के वास्ते है। तो दुनिया वालों से न आदमी कोई तारीफ़ की उम्मीद रखना है, न दुनिया वालों से कोई इज़्ज़त की उम्मीद रखना है। तो अब अमल सालेह की मुफस्सिरीन तफसीर फरमाते हैं, अमल सालेह नेक अमल वो होगा जो सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाए। नेक अमल वो होगा कि जब बंदा वो नेक काम करते वक्त ये ध्यान रख के करे कि मैं जो कर रहा हूँ वो अल्लाह देख रहा है, क्योंकि मैं काम उसके लिए कर रहा हूँ और उसको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। उसे मिसाल से समझो, आप लोग जुमा में, संडे के दिन या किसी फंक्शन और तकरीब में जाते हुए नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन के बन सवर कर तैयार होके लास्ट आईने के सामने आके खड़ते हैं। आईने के सामने आके खड़ते वक्त हमारी नीयत क्या होती है? हमारी नीयत ये होती है कि मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना खूबसूरत हूँ, इस कपड़े में मैं कैसा अच्छा दिख रहा हूँ। आदमी अपने आप को देखकर अपनी तारीफ़ अपने हिसाब से खुश होता है और ये सोचता है कि मैं ये कपड़े, ये ड्रेस ऐसा बन सवर के जाऊंगा तो लोग मुझे कैसा देखेंगे, क्या महसूस करेंगे। तो ये पूरा जो कुछ भी आईने के सामने खड़े होकर हमारी फीलिंग है, एक लम्हे के लिए हमें अल्लाह याद नहीं आते। हालांकि ये चेहरा उसने बनाया, ये जिस्म उसने बनाया, ये कपड़े उसने दिए, नहाने के काबिल उसने बनाया। वरना जैसे तुम नहा रहे हो, मर जाते तो गुस्ल मैत होता था, वो दूसरे लोग नहलाते थे। अगर मर जाते तो लोग कफन पहनाते थे। मैं खुद अपने हाथों से नहा के रेडी हुआ, अपने हाथों से कपड़े पहना, बन सवर के आईने के सामने आया और जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, ये भी अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है। वरना मेंटल भी आईने के सामने खड़े होता है, उसको थोड़ी फीलिंग आती है कि मैं कितना अच्छा हूँ बोल के। जो पागल है वो भी 6 फीट का होता है। कितने पागल हैं जो 5 फीट के, 6 फीट के हैं, वो भी अच्छे हट्टे कट्टे हैं, लेकिन वो आईने के सामने खड़े होकर थोड़ी फीलिंग करते हैं मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ। तो बंदा जब आईने के सामने खड़े होता है ये फीलिंग करना, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कितना खूबसूरत बनाया। कितने लोग वो हैं जिनकी नाक सही नहीं है, जिनके होंठ कटे हुए हैं, जिनके बाल नहीं हैं, जो अंदर से कैंसर की बीमारी में है, लेकिन अब मैं नहा धोकर खड़े हुआ, जुमा की तैयारी करके अल्लाह के घर को आना है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने मुझे ऐसा बनाया। तो ये एक काम हुआ, बंदा नहाकर आईने के सामने जब आता है उस वक्त अपनी फीलिंग को बदलना। तभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई कि आईने के सामने खड़े होकर क्या दुआ पढ़ना है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं कि आपने मेरे चेहरे को अच्छा बनाया, अब मेरे अखलाक भी अच्छे बना दीजिए। अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फअहसिन खुलुकी। अल्लाह आपने मेरे चेहरे को अच्छा बनाया, मेरी मुझे खूबसूरत बनाया, मुझे खूबसूरत भी बना दे, अच्छी आदत वाला भी बना दे। वरना कितने लोग हैं कि चेहरे अच्छे हैं, आदत ख़राब है, ना घर में जम सक रहे हैं, ना मार्केट में सेट हो पा रहे हैं, ना ससुराल में सेट हो रहे हैं, ना लोगों में उनकी इज्जत है, हर कोई आदमी उन्हें मुंह लगाने तैयार नहीं है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ये फीलिंग आना कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहे हैं और अल्लाह को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये होगा अमले सालेह। और जहाँ आदमी कोई भी अच्छा काम करते हुए ये फीलिंग आ गई, ये सब लोग देख रहे हैं, क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे, मेरी इज्जत क्या रहेगी, लोगों के डर से नेकी करना, लोगों के डर से गुनाह छोड़ना, इस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैं तफसीर करने के लिए संडे के दिन आ रहा हूँ, किसी दिन मैं नहीं आया तो ये सोचा कि सदर साहब क्या बोलेंगे अगर मैं नहीं गया तो, कमेटी के लोग क्या बोलेंगे मैं नहीं गया तो मेरे तफसीर को ना आने पर एक पैसे का सवाब नहीं मिलेगा
और आने पर भी एक पैसे का सवाब नहीं मिलेगा कि मैं जो आ रहा हूँ फलां के डर से आ रहा हूँ, फलां को दिखाने के लिए आ रहा हूँ। अगर आदमी ये सोचेगा कौन क्या बोलते नहीं बोलते वो बात की बात है। ये कुरान मजीद की तफसीर करना अल्लाह की रज़ा की खातिर है, कुरान समझना मेरी जिम्मेदारी है, समझाना हम सब के लिए एक इबादत है, उसकी खातिर हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपके बैठने पर भी सवाब है, हमारे बोलने पर भी सवाब है। तो कोई भी आदमी काम कर रहा हो तो उसमें ये दिमाग में आना कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ तो ही उस पर सवाब मिलेगा, अल्लाह के अलावा किसी के लिए कुछ भी काम करोगे तो उस पर सवाब नहीं मिलेगा। इस वास्ते के सवाब देने वाले कौन हैं? अल्लाह हैं। और तुम वो काम अल्लाह के वास्ते नहीं करे तो वो सवाब क्यों देंगे? भाई आप अगर किसी स्कूल में पढ़ाते हो तो किसके लिए पढ़ा रहे हो? मैनेजमेंट के लिए पढ़ा रहे हो कि वो रखे आपको पढ़ाओ बोल के, मैनेजमेंट आपको सैलरी देगा। लेकिन आप ये है कि भाई मैं मैनेजमेंट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपने लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जाओ सैलरी उनसे ही ले लो, हमसे मत लो सैलरी। फिर तो आदमी जिसके मातहत में है उसके लिए काम करता है तो सैलरी वहीं से मिलती है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, उसके लिए इबादत करते हैं तो वहाँ से हमको सवाब मिलता है। तो अल्लाह फरमाते हैं खुशखबरी सुनाना मोमिनीन को, जो मोमिन अच्छे काम करते हैं, और अच्छे काम करने वालों को क्या इनाम मिलेगा? अन्न लहुम अजरन हसना, कि अल्लाह ताला इनको बेहतरीन बदला देंगे, अच्छा बदला देंगे। अजरन हसना, अजर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए। अजर किसे कहते हैं? कुरान मजीद में लफ्ज़ अजर चार जगह पर इस्तेमाल हुआ है। अजर का पहला माना कुरान मजीद में जहाँ इस्तेमाल हुआ है, बीवी को दिए जाने वाले मेहर को भी अजर बोलते हैं। चुनांचे कुरान में फरमाया फ़ातू हुन्ना उजूरहुन्न, बीवियों को उनका मेहर दे दो। अजर का दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ नेकी पर मिलने वाला बदला, इसे भी अजर कहते हैं। वलनज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम, जो लोग सब्र करते हैं हम उनका अच्छा बदला देंगे। तीसरा अजर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मेहनत पर मिलने वाली मजदूरी को, उसे भी अजर बोलते हैं। तीसरा है जो दूध पिलाने वाली औरत है, उसके दूध पिलाने पर उसे जो सैलरी मिलती है उस सैलरी को भी अल्लाह ने कुरान मजीद में अजर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। अजरन हसना, अब यहाँ पर नेक काम करने वालों को अल्लाह अजर हसन अच्छा बदला देंगे। अच्छा बदला किसे कहते हैं? क्या बेहतरीन तारीफ फरमाई है मुफस्सरीन ने, मा यजीद अला मिक़दारिल अमल, अजरन हसन उसे कहते हैं कि आदमी जितना काम किया उतनी सैलरी नहीं मिलना, उससे बढ़कर मिलना, इसे अजरन हसना बोलते हैं। चुनांचे बंदा कब जब भी कोई एक नेकी करेगा अल्लाह उससे बदले में क्या करते हैं? 10 गुना सवाब देते हैं। काम एक हुआ है लेकिन अजर मिल रहा है 10 गुना। आप सब सुनते हैं दरूद शरीफ पढ़ोगे तो क्या होगा? 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुना माफ़ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 रहमतें नाजिल होंगी। एक दरूद शरीफ है लेकिन अल्लाह की तरफ से इनामात कितने हैं? 40 मिल रहे हैं। 10 नेकियां, 10 गुना माफ़, 10 दर्जे बुलंद, 10 रहमतें नाजिल। तो जितना बंदा काम कर रहा है उससे बढ़कर बदला देना, इसे बोलते हैं अजर हसन। और दूसरा अजर हसन किसे कहते हैं? कि बंदा नेकी करते वक्त जैसे वो नेकी करना है वैसे नहीं करता, उल्टे सीधे भी करता। अब जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज में 51 सुन्नतें हैं, 2 रकात नमाज हम पढ़ेंगे तो 2 रकात नमाज में 51 सुन्नतें हैं। एक सुन्नत पर अमल करना कितना सवाब रखता है? 51 सुन्नतों पर आदमी अमल करेगा 2 रकात में, 51 सुन्नतों पर। तो फजर में 4 रकात है सुन्नत और फ़र्ज़, जहर में 12 रकात है, असर में 8 रकात है, 2 रकात नफिल है, 4 रकात नफिल है, 4 रकात फ़र्ज़ है असर में। तो ये जितनी नमाजें, इन सब नमाजों में सुन्नतें कितनी हो जाएंगी आप देख लीजिए। 2 रकात में 51 हैं तो पूरे दिन में आदमी 20-22 रकातें पढ़ता है तो कितनी हो जाएंगी? तो अब ये जो सुन्नतें हैं बंदा जो अमल कर रहा है इन सुन्नतों के की रियायत करते हुए पढ़ रहा है, वरना कितने लोग हैं कौन सी सुन्नत है कौन सा वाजिब है कुछ भी नहीं मालूम, खड़े इमाम साहब के साथ झुके, इमाम साहब के साथ सजदे में गए, इमाम साहब के साथ
सलाम फेर के निकल गए। क्या करे क्या पढ़े उन कुछ नहीं मालूम। तो अब जो इबादत करना था जैसी करना था वैसे किए क्या नहीं किए। तो अब उस नमाज पर सवाब जो मिलना था अल्लाह सवाब देते हुए ये भी बोलना तुमको इस नमाज का सवाब तो दे रहे लेकिन तुम ये नमाज कैसी पढ़े मालूम, ये सुन्नत छोड़ दिए, ये वाजिब छोड़ दिए, तुम ये गलती करे वो गलती करे, ये सब आदमी को उसके गलतियां बताना फिर उसके बाद उसकी सैलरी देना। तो सैलरी लेने का मज़ा आता, फिर आदमी एक महीना कंपनी में जॉब करने के बाद जो टाइमिंग है वो टाइमिंग फॉलो नहीं किया, 9 बजे जाना था 9:15, 9:20, 9:30 इस तरह बैठ के जो काम करना था उसमें मोबाइल गेम वीडियोस ये पूरा कैमरे में मैनेजमेंट कैच करके सैलरी देने के टाइम पे तुम्हारी पूरा नामे आमाल निकाल के ये दिन तुम लेट से आए, ये दिन तुम मोबाइल देखे, ये दिन तुम ऑफिस टाइम में लंच करे, ये दिन तुम फलां दोस्त से बैठ के गप्पे मारते रहे, इतने तुम करे आइंदा से नहीं होना, लो ये सैलरी ले जाओ। तो सैलरी लेने का मज़ा ही नहीं आता, फिर पूरा मूड ख़राब हो जाता। अब जो सैलरी लेके बीवी के साथ कहीं मंदी खाने का इरादा था, कहीं घूमने का इरादा था, जो मज़े करने का इरादा था सब ख़त्म हो जाता, उतरी हुई सूरत के साथ लाके सैलरी घरवाली के फिर कभी देखेंगे बाहर घूमने का। अजरन हसना बोलते हैं अमल करते वक्त जो कोताही बंदे से होती है उस कोताही का तज़किरा किए बगैर पूरे अमल का अजर पूरा पूरा दे देना। तो आदमी के अंदर क्या बात होती, भाई मैं ये महीने में जैसा करना था नहीं करा फिर भी मेरा बॉस कुछ बोले बगैर पूरी सैलरी मेरे को दे दिया, तब वो सैलरी लेने में भी मज़ा आता और फिर उस बॉस की अजमत भी दिल में बढ़ जाती कि मेरी गलतियों पर नोट किए बगैर मेरा पूरा पूरा हक दे दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं बंदा जब कोई नेक काम करता है नेक काम के साथ कोताहियाँ भी करता है लेकिन कल क़ियामत के दिन अल्लाह इस बंदे को उसके आमाल का सवाब जब देते हैं तो उसकी गलतियाँ गिना कर नहीं देते, गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, जो किया अच्छा काम उसका बदला उसे दे देते हैं। ये अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा एहसान है। अजरन हसना, दुनिया में अजर हसन क्या है, अल्लाह जब बंदा ने दुनिया में कोई भी अच्छा काम करता है तो दुनिया में भी उसका बदला देते हैं आखिरत में भी देते हैं। दुनिया में बदला ये देते हैं नेक काम करने वाले को अपने ज़िंदगी जीने में कॉन्फिडेंस पैदा होता, जो अच्छे काम कर रहे हैं ना उनको जीने में मज़ा आता, जो बुरे काम कर रहे हैं उनको जीने में मज़ा नहीं आता, ज़िंदगी से वो लोग बेजार हो जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा अदर कंट्रीज़ में लोग डॉक्टर के पास जैसे टोकन लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए वैसे ही बहुत से हॉस्पिटलों में टोकन लेते हैं सुसाइड करने के लिए, सुसाइड करने के लिए टोकन लेते हैं। अभी कोई बेड खाली नहीं है मरने के वास्ते, 3 दिन के बाद आओ आपका नंबर आएगा, फिर भी टोकन्स लगे रहते हैं लोग मरने के वास्ते। क्यों, कई लोगों से जब इंटरव्यूस लिया गया कि भाई आप मालदार हैं आप हैंडसम हैं आपके पास जायदाद है फिर भी क्यों मरना चाहते हैं, तो वो लोग ये बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो जो ख्वाहिश होना था सब हो गए मेरे, शराब पीना था हर किस्म की शराब पी लिया, लड़कियों के साथ मुंह काला करना था अय्याशी करना था सब लड़कियों के साथ मन भर गया मेरा, अब ना खाने में मज़ा है ना पीने में मज़ा है ना सेक्स करने में मज़ा है सब हो गए, अब क्यों जीऊँ मैं आखिर, जीने में मज़ा नहीं आ रहा है इस वास्ते मरना चाह रहा हूँ, इस वजह से मर रहे हैं लोग। और मुसलमान क्यों जी रहा है, मुझे यहाँ के मज़े की ज़रूरत नहीं है वहाँ के मज़े चाहिए मुझे, यहाँ सेहत के बाद बीमारी है, जवानी के बाद बुढ़ापा है, मालदारी के बाद गरीबी है, इज्जत के बाद जिल्लत है, वहाँ की जवानी वहाँ की नेमत मुझे चाहिए इस वास्ते जी रहा हूँ। तब अगर इसको मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई वो ख्वाहिश पूरी हो गई कितने भी ख्वाहिशात पूरी हो जान दो लेकिन मेरा जीना यहाँ के वास्ते नहीं है वहाँ के वास्ते है, अब वहाँ की खातिर जीना है तो यहाँ काम करना पड़ेगा। तो आदमी को यहाँ जीने में कॉन्फिडेंस पैदा होता कि मैं ये जो जी रहा हूँ आखिरत कमाने के लिए जी रहा हूँ। तो नेक काम करने वाले को अपने जीने में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, इसी वास्ते
मुसलमानों में बहुत कम आपको मिलेंगे जो सुसाइड करते हैं, और गैर मुस्लिमों में आपको 100 मिल जाएंगे जो सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ की ज़िंदगी का यकीन नहीं है और हमको वहाँ की ज़िंदगी का यकीन है। इस वास्ते हम जल्दी मरने तैयार नहीं होते हैं। ये कॉन्फिडेंस होता है आदमी को नेक काम करने पर। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ जो अल्लाह ताला फरमाए के जो अच्छे काम करते हैं उन्हें अल्लाह ताला अजरे हसन अता फरमाएंगे, अच्छा बदला। सबसे अच्छा बदला ये है कि अल्लाह अपना दीदार करा दे, ये सबसे बड़ा बदला है। और दीदार कहाँ होगा? जन्नत में होगा। जब जन्नत में दीदार होना है तो आदमी को कहाँ आना पड़ेगा? जन्नत में आना पड़ेगा। तो अल्लाह के दीदार के लिए क्या मिल जाएगा? जन्नत का दाखिला भी, इंट्री भी मिल जाएगी। और जन्नत की इंट्री एक बार मिल गई तो फिर वापस वहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी, ना हम निकलना चाहेंगे ना अल्लाह निकालेंगे। हमेशा हमेशा की रहेगी जन्नत। अन्न लहुम अजरन हसना, आगे यही आयत में फरमाया, मा किसी ना फी ही अबदा, हमेशा जन्नत में रहेंगे, कभी निकाला नहीं जाएगा। ये उससे बड़ी नेमत है जन्नत में हमेशा हमेशा रहना। तो अल्लाह का दीदार करने के लिए जन्नत में जाना पड़ेगा, और जन्नत में जाने के लिए आदमी को नेक अमाल करना पड़ेगा, उसके बगैर जन्नत में एंट्री नहीं होती। तो अल्लाह वहाँ पर जन्नत में दाखिला देंगे और जन्नत में अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे। तो फरमाते हैं कि जिस बंदे को अल्लाह का दीदार जन्नत में करना है, दुनिया में अपने नेक काम ऐसे करना पड़ेगा गोया कि मैं अल्लाह को देखते हुए कर रहा हूँ, या कम से कम इतना तो ख्याल करना पड़ेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इस फीलिंग के साथ अगर तुम नेक काम करोगे तो अल्लाह का दीदार तुम्हें वहाँ नसीब होगा। और अगर तुम कुछ भी कर रहे हो ये सोच रहे कि अल्लाह नहीं देख रहा है, अल्लाह नहीं देख रहा है, इस फीलिंग से कर रहे हो तो फिर अल्लाह का दीदार भी नसीब नहीं होगा। अब हम देख लें, जितने लोग गुनाह करते हैं, गुनाह करते वक्त उनकी फीलिंग क्या होती है? दुनिया वाले नहीं देख रहे हैं, अल्लाह देख रहा नहीं देख रहा, ये फीलिंग पैदा नहीं होती। जब ये फीलिंग आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर खिड़कियाँ बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, लाइट बंद कर लो, पर्दे गिरा लो, क्या फ़र्क पड़ने वाला, वह तो देख ही रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि बंदे कितना बेशरम है, जो तेरा बाल नहीं भीगा कर सकते उनसे डर के खिड़कियाँ बंद कर रहा है, और मैं एक चुटकी में तुझे हलाक कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे डरने के लिए तैयार नहीं है, मुझसे निडर होकर गुनाह कर रहा है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, तन्हाई में गुनाह करते हुए मखलूक से डरना, डर कर दरवाजे बंद करना, और अल्लाह से न डरना, जो गुनाह करने के लिए अकेले में गए हो उस गुनाह से भी बड़ा गुनाह है जो तुम अल्लाह से नहीं डर रहे हो। शराब पीने के लिए अकेले में गए, जिना करने के लिए अकेले में गए, जिना गुनाह है, लेकिन उस गुनाह करते वक्त जो तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर जो नहीं पैदा हुआ, लोगों का डर पैदा हुआ, अल्लाह से जो निडर हो गए, ये अल्लाह से निडरपन उस जिना से भी बड़ा गुनाह है। ये निडरपन जब तक रहेगा आदमी हर गुनाह करता जाएगा। तो अजरन हसना ये है कि आदमी नेकी करते वक्त भी अल्लाह को देखने की फीलिंग रखे, गुनाह करते वक्त भी अल्लाह की फीलिंग रखे। तो पहला इनाम मोमिनों को जो दिया जाएगा, खुशखबरी जो सुनाई जा रही है वो ये है कि नेक काम पर अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदला देंगे। बेहतरीन बदला क्या है? अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अल्लाह तुम्हें अपना दीदार कराएंगे। अब दीदार देख लीजिए कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है अपनी महबूबा को देखने के लिए बेचैन रहता नहीं रहता। अफेयर करने वालों को देख लीजिए, चैटिंग शुरू शुरू में जो चैटिंग होती है उसमें तो बड़ी शराफत से लिखते हैं कि आप मेरे को मुझे देखे नहीं फिर भी क्यों मोहब्बत कर रहे हो, तो बड़ा अच्छा जवाब देते हैं कि मोहब्बत चेहरे से नहीं होती है, मोहब्बत दिल से होती है, चेहरे में क्या रखा है। इस वास्ते शुरू में इग्नोर करते हुए चेहरा देखने को चैटिंग करते रहेंगे। जब फिर थोड़ा अरसा गुजर जाएगा तो जानू तुम्हारा एक फ़ोटो भेजो ना, तो अब क्यों मांग रहे हो फोटो, अब क्यों शौक़ पैदा हो रहा है देखने का। तो जाहिर सी बात है जिससे मोहब्बत होती है आदमी उसके दीदार के लिए तड़पता है। अल्लाह से मोहब्बत है तो उसकी दीदार के लिए बंदा तड़पता है, उसे देखने के लिए बेचैन होता है। इसी वास्ते अगर असलाफ में ये बात थी कि अल्लाह का दीदार नहीं होता तो हमें किसी इबादत की ज़रूरत नहीं है, उसका दीदार होता बोल के तो हम सब कर रहे हैं।
तो दीदार मिलना बड़ी नेमत है, दीदार से महरूम हो जाना बड़ी मुसीबत है। दूसरा इनाम जो बंदों को अल्लाह की तरफ से दिया जाता है वो है अन्न लहुम अजरन हसना मा किसी न फी ही अबदा, कि जन्नत में ये मोमिनीन हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये नेमत अल्लाह ने कुरान मजीद में 42 टाइम्स बयान फरमाई है कि मोमिन हमेशा जन्नत में रहेगा, मोमिन हमेशा जन्नत में रहेगा। चुनांचे जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से ऐलान फरमाएंगे, बुखारी शरीफ की रिवायत है, या अहलल जन्ना खुलूदुन ला मौत, ए जन्नतियों सुन लो, हमेशा अब जन्नत में मज़े करते रहो, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। ज़िंदगी में आदमी जिया, बाद में मौत भी है, जवानी है बाद में बुढ़ापा भी है, सेहत है बाद में बीमारी भी है। जन्नत में जाने के बाद ऐलान हो जाएगा, हमेशा जवान रहोगे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा सेहतमंद रहोगे कभी बीमारी नहीं आएगी, हमेशा तुम यहाँ ज़िंदा रहोगे कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा मज़े में रहोगे कभी मूड ख़राब नहीं होगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा, हमेशा इंसान को जो राहत पहुँचाने वाली चीज़ है वो रहेगी। और दूसरी नेमत अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाई माकिसीन, हमेशा रहना, माकिसीन हमेशा रहना। और कैसे रहना? सब साथ मिलके रहना, सब साथ मिलके रहना। अब आप देखिए, एक आदमी को जन्नत में हमेशा रहने के लिए बोले, लेकिन ये बोले कि ये जन्नत में तुम अकेले रहना, तुम्हारे साथ कौन भी नहीं रहते, रहने में मज़ा आएगा? फिर अगर रहने में मज़ा आता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहीं को आते नीचे, फिर अकेले थे बोल के चुनकू भी बेजार हुआ वहाँ पर, अकेले थे बोल के वो खुद पार्टनर चाहे तो अल्लाह ने उनको वहाँ पार्टनर बना के दिया। अगर अकेला इंसान जन्नत में रहना चाहे तो भी अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ दूसरे रहना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसकी फैमिली के साथ रखेंगे। बाप अच्छा है, बेटे भी अच्छे हैं, तो जैसे यहाँ जॉइंट फैमिली है, अल्लाह जन्नत में भी जॉइंट फैमिली के साथ रखेंगे। अपने माँ बाप के साथ रहो, अपनी औलाद के साथ रहो, अपने ख़ानदान के साथ रहो। ख़ानदान के साथ रहना भी तो बड़ी नेमत है। टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कोई किसी का मुंह देखने तैयार नहीं है, तो आदमी साथ रहते हुए भी सुकून से नहीं रह सकता। तो अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों को रखेंगे फैमिली के साथ। अगर फैमिली के लोग भी नेक होंगे तो, अगर वो जहन्नम में जाने के काबिल होंगे तो फिर वैसी फैमिली को अल्लाह साथ नहीं रखेंगे। अब जन्नती को फीलिंग होगी कि भाई मेरा शोहर नहीं है, मैं उसके साथ रहती थी, मेरा बेटा नहीं है, मैं उसके साथ रहती थी। ये फीलिंग जो अपना नहीं रहने की है, वो फीलिंग अल्लाह ख़त्म कर देंगे। अब बेटा याद ही नहीं आएगा, अब बाप याद ही नहीं आएगा, वो दिमाग से अल्लाह डिलीट कर देंगे। अब जो तुम्हारे साथ हैं उनके साथ अपनाइयत से मज़े से रहोगे। इस वास्ते बोलते हैं कि हमें भी जन्नत में रहना है, हमें अपनी फैमिली के साथ रहना है, तो फैमिली को भी सुधारो, ख़ानदान को भी सुधारो, ताकि इनके साथ तुम जन्नत में रह सको। तो सिंगल जन्नत में आदमी रह नहीं सकता, फैमिली के साथ रहना पड़ेगा। और अल्लाह जहन्नम में जाने के बाद जहन्नमियों को जो अजाब देंगे, उन अजाबात में से एक अजाब यह है कि अल्लाह उसे सिंगल अजाब देंगे, जहन्नम में रख देंगे, अकेला जलते रहता, ये खुद एक बड़ा अजाब है उसके लिए। चुनांचे 1 से 10 लोग आपस में तकलीफ़ में हैं। आप देख लीजिए, सैलाब आया, इसका घर भी डूबा, उसका घर भी डूबा, इसका घर भी डूबा, इसका भी डूबा, तो आदमी को तसल्ली हो जाती, मैं अकेला नहीं डूबा, मेरे साथ बहुत से डूबे, ये तसल्ली हो जाती, मुसीबत हल्की हो जाती। सैलाब आया, सिर्फ अकेले उसके घर को जो चाय बेचने वाला था उसके घर को डूबा दिया सैलाब। जाहिर सी बात है कि सिर्फ उसको फीलिंग होगी कि मैं डूबा, बाकी सब क्या हो गए, बच गए। तो डूबने का गम नहीं होगा उसको, ये सब कैसे बच गए, ये लोग क्यों नहीं डूबे, ये फीलिंग उसे इतनी ज़्यादा होगी कि उसकी वजह से परेशान होता रहेगा। अपने डूबने से परेशान नहीं होगा, दूसरे क्यों नहीं डूबे, इसकी वजह से उसे जो परेशानी होगी वो तकलीफ और बढ़ती जाएगी। जहन्नम में अल्लाह जहन्नमियों को सिंगल सिंगल जलाएंगे, साथ में दूसरे जलने वाले नज़र नहीं आएंगे। एक तो जलने की तकलीफ, दूसरा सिंगल जलने की तकलीफ, इसमें तकलीफ और बढ़ जाती है। इधर जन्नतियों को अल्लाह ताला फैमिली के साथ रखेंगे, एक तो हमेशा रहने की खुशी, दूसरा फैमिली के साथ रहने की खुशी। बहुत अपोजिट तरीके से अल्लाह ताला इनाम भी देते हैं तो पूरा,
और सज़ा भी देते हैं तो पूरी सज़ा। तो जन्नतियों को अल्लाह दूसरी खुशखबरी सुनाते हैं कि वहाँ पर हमेशा हमेशा रहने के लिए अल्लाह ताला मौका देंगे, कभी जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये दूसरी खुशखबरी है मोमिनों के लिए। तो पहली हिकमत है कुरान नाजिल करने की, नाफरमानों को डराना बड़ी आफत से, और मुसलमानों को खुशखबरी देना कि उनके अच्छे काम पर अच्छा बदला मिलेगा और अल्लाह ताला उन्हें अपना दीदार कराएंगे और जन्नत में अल्लाह ताला उन्हें हमेशा हमेशा रहने का मौका देंगे। ये कुरान नाजिल करने की पहली हिकमत थी। और दूसरी हिकमत, पहली हिकमत थी डराना, दूसरी हिकमत थी मुसलमानों को खुशखबरी देना, तीसरी हिकमत अगले तफसीर के मौके पे बयान करेंगे कि कुरान नाजिल करने की तीसरी हिकमत क्या है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को जन्नत में अपनी फैमिली के साथ रहने की नेमत नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।